धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? आज देखिए ग्राम विकास संघ और ग्राम पंचायत कार्य संघ का संयुक्त समन्वय समिति जो है हमारी प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज का इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं। विगत जितनी सरकारें जब से रही हैं, जब से देश की आज़ादी के बाद से, चाहे वो 4था वेतन आयोग हो, 5वां वेतन आयोग हो, 6वां वेतन आयोग हो, अब 7वां वेतन आयोग आ गया, सभी वेतन आयोग में सबसे ठगा जाने वाला अगर कोई कर्मचारी और कोई अधिकारी है और सबसे जिम्मेदार कोई कर्मचारी सरकार का अगर है तो वह ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी है। हम लोगों का बहुत सामान्य सी मांगे हैं। पहली मांग कि शैक्षिक योग्यता हमारी जो फिलहाल में इंटरमीडिएट लेवल है उसको ग्रेजुएट किया जाए और कंप्यूटर की शिक्षा कंप्यूटर ओ लेवल हो, ये CCC मांगते हैं। वो CCC के डिप्लोमा कैसे भी ले आकर लोग अपना भर्ती हो जा रहे हैं, वो प्रक्रिया ठीक नहीं है। ये मेरा ग्रेजुएशन करें क्वालिफिकेशन और ओ लेवल करें। दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग है वेतन विसंगति के संदर्भ में है। वेतन विसंगतियों का आश्वासन, चाहे वो पहले के पूर्व मुख्यमंत्री जी मायावती जी रही हों, चाहे पूर्व के सपा सरकार हो, चाहे यह सरकार हो, केवल आश्वासन पर आश्वासन मिलता है। 2000 ग्रेड पे हम लोग काम कर रहे हैं वर्तमान में। हमारी यह मांग है कि 2800 ग्रेड पे हमको दिया जाए। तीसरी जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो यह है और जायज़ मांग है कि जो डायरेक्ट पद जो भर्ती वाले पद हैं उन पर 30% जो है उसमें बढ़ोतरी की जाए और 10, 16, 26 का जो ACP लगना है, अगर आप समय पे ACP लगा रहे हो, प्रमोशन नहीं कर पा रहे हो उपलब्ध पदों के सापेक्ष, तो कम से कम उनको प्रोन्नत वेतन मान तो दे दीजिए। को लेकर आज हमारा एक दिवसीय धरना